वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल एक्सप्रेस। आज हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशन। तो हम लोग चलते हैं आगे। मैं भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का एक अहम भूमिका रहा। अगर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के बारे में बात करें तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 ईस्वी में बॉम्बे में हुई थी। प्रारंभिक नेतृत्व में दादा भाई नरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू सी बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्रदत्त, एस एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी एओ ह्यूम ने भी विभिन्न क्षेत्रों से भारतीयों को एक साथ लाने में भूमिका निभाई। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का गठन राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए या उसकी दिशा में बात करें तो काफ़ी अहम प्रयास था। और 1885 में बॉम्बे में आयोजित किया गया था, अध्यक्ष के रूप में डब्ल्यू सी बनर्जी। अगर हम बात करें इनके अलग अलग अधिवेशन की तो यह पहला अधिवेशन था 1885 में। दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में आयोजित की गई और अध्यक्ष थे दादा भाई नरोजी। तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में, और इसमें राष्ट्रपति सैयद बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। और चौथा सत्र 1888 में इलाहाबाद में आयोजित की गई, राष्ट्रपति जॉर्ज यूल पहले अंग्रेजी राष्ट्रपति। 1896 में कलकत्ता, राष्ट्रपति रहीमतुल्ला सयानी। उसी समय राष्ट्रगीत वंदे मातरम पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया। 1899 लखनऊ में, उसी तरह 1901 में कलकत्ता, 1905 में बनारस, 1906 में कलकत्ता, 1907 में सूरत, 1910 में इलाहाबाद, 1911 में कलकत्ता, 1915 में बम्बई, 1916 में लखनऊ, 1917 में कलकत्ता, 1918 जो कि विशेष सत्र था मुंबई। ये सब अधिवेशन हुए। अगर बात करें 1899 के तो अध्यक्ष रमेश चंद्र दत्त कलकत्ता के, 1909 में अध्यक्ष रहे दिनसौ इवाचा गांधी जी पहली बार कांग्रेस के मंच पर उसी समय में आए। 1905 में बनारस में जो अधिवेशन हुए उसमें अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्ष थे दादा भाई नरोजी, चार प्रस्तावों को अपनाया, स्वराज सुशासन बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और राष्ट्र शिक्षा। 1907 सूरत में अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। बंगाल में विभाजन, उदारवादी नीति, उग्रवादी सत्र का स्थगन था। 1910 में इलाहाबाद, राष्ट्रपति सर विलियम वेरपर्न एम ए जिन्ना ने 1909 में के अधिवेशन द्वारा शुरू की गई एक पृथक निर्वाचन प्रणाली की निंदा की थी। उसी तरह 1911 में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष थे बी एन धर। कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जनगणमन का पाठ हुआ। 1915 में बॉम्बे, अध्यक्ष सर एस पी सिन्हा, चरमपंथी तबके के प्रतिनिधि को शामिल करने के लिए कांग्रेस के संविधान में बदलाव किया गया। 1916 में अध्यक्ष उस समय में ए सी मजुमदार, कांग्रेस के दो गुटों नरमपंथी और गरमपंथी के बीच में एकता हुई। और 1917 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ उसमें अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, कांग्रेस की पहला महिला अध्यक्ष। और 1918 का जो विशेष सत्र था मुंबई में, अध्यक्ष थे सैयद हसन इमाम। आगे बात करें तो 1919 में अमृतसर, अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया। 1920 में जो विशेष सत्र कलकत्ता में चला उसमें अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी के असहयोग प्रस्ताव पेश किया। 1920 में नागपुर, अध्यक्ष श्री विजय राघव भाचार्य, भाषाई आधार पर कांग्रेस की कार्य समितियों का पुनर्गठन हुआ। आगे बात करें 1922 में गया में अध्यक्ष श्री सी आर दास,
1924 बेलगाम अध्यक्ष एम के गांधी, 1925 कानपुर राष्ट्रपति सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति, 1927 मद्रास अध्यक्ष डॉक्टर एम ए अंसारी। इसी समय आपको बता दें कि चीन ईरान मेसोपोटामिया में भारतीय सैनिकों के इस्तेमाल के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया, साइमन कमीशन के बहिष्कार के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया और पूर्ण स्वराज्य का संकल्प को अपनाया गया। 1928 में कलकत्ता में पुनः अधिवेशन जो कि अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन हुआ। 1929 में लाहौर अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज पर प्रस्ताव पारित किया। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। 25 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में अपनाया गया। आगे 1931 में कराची अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकारों और राष्ट्र आर्थिक कार्यक्रम का संकल्प, गांधी इरविन समझौता का समर्थन, लंदन में आयोजित होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी को कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामांकित किया गया। 1934 में बम्बई अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, 1936 में लखनऊ अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, 1937 में फैजपुर अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, 1938 में हरिपुरा अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस, 1939 त्रिपुरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष, सुभाष चंद्र बोस फिर से चुने गए लेकिन उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। 1940 में रामगढ़ राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद, 1941-45 यह अवधि घटनाओं अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन का समय, RIN विद्रोह और INA परीक्षणों द्वारा चिन्हित है। क्रिप्स मिशन, बेवेल्स योजना और कैबिनेट मिशन जैसी संवैधानिक वार्ताओं का चरण। इस चरण के दौरान इन घटनाओं के कारण कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। 1946 में मेरठ में हुआ, अध्यक्ष JB कृपलानी थी। आज़ादी से पहले का आखिरी अधिवेशन JB कृपलानी, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष। इस तरह से भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के एक एक अधिवेशन को हम लोगों ने इसमें देखा। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा और आपको बता दें कि भारतीय इतिहास पर मेरे सारे वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। ज़रूर देखें, समझें, इसका फ़ायदा उठाएं। साथ में अंतिम रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।